नंबर दो है। तुम सूर्य, मैं चंद्र, तुम एक नंबर और मैं दो नंबर। पता है दोनों बहुत लकी होते हैं। हो, तुम न्यूमेरोलॉजी जानती हो क्या? यू नो व्हाट, जो एक और दो नंबर वाले होते हैं मोस्टली क्लोज फ्रेंड साबित होते हैं। तो फिर आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं? क्यों? एक नंबर, दो नंबर, सूर्य और चंद्र, तुम्ही ने कहा था ना? हाँ ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। ओए पुलिस वाले, हे भगवान, तुमने तो कहा था तुम मुझे जेल ले जा रहे हो, पर तुम तो मुझे मेरे ही घर ले आए। अरे मेरा तो सारा नशा ही उतर गया, अब मैं उस मिलिट्री वाले के पास जाकर क्या बोलूंगी? शांत हो जाओ, टेंशन क्यों ले रही हो? तुम सुकून से जाके सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आर्मी, पुलिस, पुलिस वाला कह रहा है वो आर्मी को संभालेगा, करेक्ट? तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और मेरे पापा से कहो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके? और ये भी कहना कि मैं इसी से शादी करूंगा, ठीक है? तुम्हें छोड़कर अगर कोई दूसरा मुझे देखेगा तो तुम मेरे मुंह पे एसिड फेंक दोगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहना कि तुम लड़के के चेहरे पे एसिड फेंक दोगे। हाँ ऐसा ही बोलना, तब तो वो पक्का डर जाएंगे। हाँ चलो चलो। ए, रुको रुको रुको, कल आने वाला है ना, तो मैं भी तुम्हें देखने कल आऊंगा, ठीक है? मैं वहाँ पर आऊंगा, सबके सामने कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है ना? सुपर आइडिया। लेकिन तुम पक्का आओगे ना? ओके बाय। ए फोन दो, अपना फोन दो, फोन दो ना। ये मेरा नंबर है, कल शाम तुम 5 बजे आ जाना। हाँ ओके, यस सर, गुड नाइट पुलिस सर। दारू पीकर हिम्मत के साथ पापा से बात करेगी ऐसा बोली थी मुझे, पर तूने पुलिस वालों से पंगा लेकर सारा प्लान बर्बाद कर दिया। अब क्या करने वाली है तू? तू टेंशन मत ले, वो जरूर आएगा। मामा जी नहीं आए क्या? बस आता ही होगा। ओ अच्छा अच्छा। हे, वो तो फोन कट कर रहा है। ए, तू फिर से ट्राई करना। ओ नो, स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर पक्का तुझे यही दूल्हा मिलेगा। बैठो बेटी, जैसा नाम है वैसे ही महालक्ष्मी जैसी दिखती हो, है ना? लड़की अच्छी है ना? इसकी सूरत तो देखो कितनी अजीब है। अंदर आओ ना, तुम डरो मत, वहां बैठो, आओ ना अंदर, अपना ही घर समझो, बैठो आओ। क्या हो रहा है? पता नहीं, शुरू करो। क्या हूँ? कुछ नहीं, बोलो ना, चलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? मुझे भी नहीं आ रहा। बेटी मेरा बेटा तुम्हें पसंद आया ना? कैसी बात कर रही है, इतना अच्छा लड़का आखिर इसे पसंद क्यों नहीं आया? पसंद आया, आपने जो लड़का देखा वो मुझे नहीं पसंद आया। सुनो आर्मी, मुझे ये वाला लड़का पसंद है, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। ए फोटो तो ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा तूने इसे, हमें बेवकूफ बना रहा था। नहीं, तू इसको पहले से जानता था ना? तुमको कुछ बताया था? अरे महा बेटी, तुमको देखने के लिए आने वाला लड़का यही तो था। मैं अकेले में आपसे कुछ बात कहां मर गई। महा, कल आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही वो लड़के हैं? हाँ बता सकता था, लेकिन कल तुम बताने की हालत में नहीं थी इसलिए नहीं बताया। ऐसी बात है, ठीक है, अब जाके बोल दीजिए मुझे लड़की पसंद नहीं। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो तुम्हें फोटो देखते ही पसंद कर लिया था, कल तुम ही ने कहा था ना कि जिससे भी शादी करूंगी उससे लव करूंगी, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि
कि वो खुशनसीब मैं ही होऊंगा। और पहली नजर में तुम मुझे पसंद आ गई थी। जब तुमने अपने पापा से कहा कि तुम मुझे लव करती हो तो वो मुझे बिल्कुल सच लगा। पर अब लगता है कि तुम्हारे पास जो प्यार है वो मुझे मिल जाए और मेरे दिल में जो प्यार भरा है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पर इसके लिए तुम्हें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बेहिचक जाकर अपने पापा से कह सकती हो। क्या सोच रही हो, जाकर बोल दो। बोल तो सकती हूँ पर ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि ना बोलूं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको इतना टॉर्चर किया फिर भी आप शांत थे। आपकी आंखों में झूठ नहीं है। जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद सर सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, कैश भी तिजोरी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ सर। सॉरी सर। इन सभी मेडिसिन को कंटिन्यू करो। क्यों यार, तुम तो अच्छे पोस्ट पर हो ना, हाँ? अब तुम्हें वीआरएस लेकर चुपचाप घर पे बैठ जाना चाहिए। क्यों अपने दुश्मन बने हो तुम? मैंने भी कितनी बार कहा अंकल, डिस्चार्ज होने के बाद पापा को वीआरएस दिलवाना है। ये काम तो पहले करो, ये पूरा बैंक अपने सर पर लेकर के नाच रहा है अकेला। ए, टेक रेस्ट एंड टेक केयर। तुम लोग टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। सर जॉन आओ, आओ जॉन है पापा। हेलो सर। आओ बोलो सर। अब पापा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जॉन, शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे। तुम बताओ क्या बात है? सर आपके पापा के बैंक से ही कल पैसों की चोरी हुई है। क्या? कैसे चोरी हो गया? फोन दो, मेरी शर्ट दो, मैं जा रहा हूँ। क्यों हो रही है? पापा मुझे जाना होगा। आप रिलैक्स हो जाइए। मैं देखता हूँ। सुनिए आप सीरियसली मत लीजिए, मैं हूँ ना। शांत रहिए अंकल। क्या यार, यहाँ सबके सामने क्यों बोल दिया? बाहर सर रुकिए, मैं जाना चाहता हूँ। चोरी का इल्जाम आपके पिताजी पर है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या चोरी का इल्जाम मुझ पे? आपके पिताजी को हमें कस्टडी में लेना होगा। मैंने चोरी नहीं की। फोन दो विक्रम। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने चोरी नहीं की, नहीं विक्रम, मैंने पैसा नहीं लिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। पापा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, इन्हें संभालो माँ। सर प्लीज, तुम लोग मानते क्यों नहीं? सीसीटीवी का फुल रिकॉर्ड है, आप भी अपने पिताजी को लेकर आएंगे तो ठीक रहेगा। विक्रम वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं बेटा, ये सब गलत है। पापा कुछ भी नहीं हुआ है, आप सबर रखिए। जॉन पहले इस फुटेज को वेरीफाई करने के लिए भेजो। कर लिया है सर, यही ओरिजिनल है सर। क्या ये लोग गलत हैं बेटा? मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे कोई चोरी नहीं की बेटा। आप बैठिए, मैं बात कर लूंगा, प्लीज बैठिए। जॉन सर जरा बाहर आओ। जॉन पापा ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अभी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम दो प्लीज। क्यों टाइम चाहिए तुम्हें? हमने किसी शक के आधार पे कंप्लेन नहीं की है, तुम्हारे पापा के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। इनको लेकर क्या बकवास कर रहा है? इसे मेरे सामने से लेकर जाओ। मेरे पापा के बारे में बकवास कर रहा है? जानता नहीं है तू मुझे? चलिए प्लीज। सर मैं समझ सकता हूँ सर,
बट आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए सर, आप भी जानते हैं आपके पिताजी को हमें कस्टडी में लेना होगा। कस्टडी? व्हाट? आई एम असिस्टेंट कमिश्नर मैन, आई नो हाउ टू डील दिस। मैं कमिश्नर से खुद बात कर लूंगा। सॉरी सर, कमिश्नर सर ने कहा है इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपको तो सारे रूल्स पता है ना सर। अभी सर पैसों का प्रॉब्लम है, अगर वो पैसा मिल गया तो पापा को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा सर। सच्चाई जानने के लिए पापा को अरेस्ट करना ही पड़ेगा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा? बेटा, क्या तुम भी मुझे चोर समझ रहे हो? तुम मुझे अरेस्ट करो या नहीं यही सोच रहे हो तुम? बेटा नहीं, मैं बेगुनाह हूं। सब ठीक हो जाएगा। पैसा आपके पापा ने ही लिया। हमारे पापा के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। मैंने कोई पैसा नहीं लिया बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की बेटा, मैं सच बोल रहा हूं। बाहर मीडिया वाले हैं सर, इनका फेस कवर कर दीजिए। विक्रम, वो मैं नहीं बेटा, मेरी बात मानो, वो कोई और है, वो कोई मेरा हमशक्ल है।